भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर को एक और स्टॉक जो लगातार बाजार के एक्शन में रहता है, अनिल जी की रिकमेंडेशन लिस्ट में कई बार आया और हमारे सारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन लिस्ट में, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। यहां पर अभी अभी आपको खबर आती दिख रही है, 235 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है कंपनी को, ये आपके लिए खबर आ रही है। एक्सपोर्ट ऑर्डर है ये, करीब 2.5 लाख यूरो का ये ऑर्डर मिला है, तो अगर हम रुपए में देखें तो करीब BEL के लिए 235 करोड़ का ऑर्डर बढ़ा दिए, छोटा है BEL के लिए छोटा है बट मिला है। तो मिला है। लेकिन अच्छा, इसमें अच्छा क्या है जी, बाहर का है, यूरोप का है। हाँ, यूरोप का मिला, यूरोप का मिला। मतलब इंडिया का नहीं, बाहर का। तो बाहर का जो भी आने दो, वेलकम, बट साइज छोटी है, साइज छोटी बट चलो एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, अच्छी बात। 25 लाख यूरो का, 25 लाख यूरो का 235। हाँ तो करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, वेरी नाइस। बट वही है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर है, एक्सपोर्ट बाहर से है तो ये है, बट साइज इसकी थोड़ी सी छोटी आपको नजर आएगी। चलिए, ये है आपके लिए BEL, इस पर भी ओके। सनी अग्रवाल साहब से भी एक बार बात की जाए, BEL बहुत ही जबरदस्त सेक्शन में है, बताएं सर क्या है आपकी राय? या डेफिनेटली अनिल जी, अगर मुझे याद है तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है, 2.5 टाइम्स FY24 सेल्स की ऑर्डर बुक है, जो कि एक वेरी स्ट्रांग रेवेन्यू विजिबिलिटी भी देती है अगले 2 से 3 साल के लिए। मुझे लगता है कि वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक होना चाहिए अगर डिफेंस सेक्टर से अगर किसी को पोर्टफोलियो में ऐड करना होगा तो। बट जिस तरह से एक स्टॉक में रनअप हुआ है पिछले कुछ दिनों में, मुझे लगता है कि थोड़ी बाय ऑन डिप की रणनीति रहेगी, कहीं मौका मिलता है ऐड करने के लिए तो डेफिनेटली एक रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल रहेगा, लॉन्ग टर्म के लिहाज से पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, बट बाय ऑन डिप की रणनीति अपनानी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें BEL में, ये राय आपके लिए आती दिखे।